बहुत बड़े कवि रहे हैं जिन्होंने कहा था, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। मैं यहाँ कुछ और में वोट को जोड़ना चाहूंगी कि मैं भी चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करें। उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे जरूरी वोट करें। रोजाना स्पोक्समैन एंड रेडियो ऑरेंज का ये इनिशिएटिव है मेरा वोट मेरी ताकत मेरा अधिकार। और मैं गीत भी आज यही मैसेज लेकर आई हूँ कि 1 जून का जो ये दिन है, इस दिन जाकर हम वोट ज़रूर करें। और हमारे पास बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें ऐप पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि भीड़ कम है, इस दौरान आप वोट करने जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप अपने इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े, क्योंकि हम यहाँ पर ना सिर्फ ग्लोबल पावर की बात करें बल्कि ये साल ग्लोबल इलेक्शन ईयर भी है। 60 से ज्यादा कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं, आधी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो वोट कर रही है। सो वी कैन नॉट मिस दैट, क्योंकि ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट होगी जब आप अपने फिंगर पर वो निशान पाएंगे, डीपी चेंज करेंगे, स्टेटस चेंज करेंगे। सो बहुत बुरा लगेगा अगर आपने वोट नहीं किया होगा, शायद अपने आप से एक बहुत बड़ा इनजस्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं कहना चाहूंगी एक बार फिर से, जोड़ना चाहूंगी मेरा वोट मेरी ताकत मेरा अधिकार। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि जो हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स जुड़े, रेमेंड नेविगेटर्स, स्काई ट्रेल्स, लीको एंड 90s एंड जेनिथ हमारे साथ हमारे इवेंट पार्टनर, थैंक यू सो वेरी मच। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, और ये भारत की भूमि हमें पुकार रही है कि हम इस वोटिंग के महोत्सव में पार्टिसिपेट करें। मैं गीत आपके साथ और रोजाना स्पोक्समैन एंड रेडियो ऑरेंज इस ग्रेट इनिशिएटिव को आपके साथ जोड़ रहा है, मेरा वोट मेरी ताकत मेरा अधिकार। और अभी मेरे साथ साहिल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एसोसिएट डायरेक्टर। साहिल युवा पीढ़ी को समवेयर एड्रेस भी करते हैं, उसका खुद का भी एक आप युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप तो बहुत सारे ऐसे एवरीडे बच्चों को मिलते होंगे जो कि अपने देश को लेकर, जहाँ ISB की भी बात है तो देश का नाम रोशन करने के लिए हर कोई पढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है। सो देश के भविष्य को लेकर चुनाव कितना जरूरी है? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आसान होता है एक जगह बैठ कर बोलना ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ये चीज़ अच्छी नहीं है वो चीज़ अच्छी नहीं है, बट इस चुनाव से वोट से आप वो चीज़ में अपना एक इनपुट देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर आप ये सब बोलने का हक भी रखते हैं फिर, कि आपने एक सरकार चुनी और उस सरकार के साथ साथ आपने चुना सही रास्ता, आपने चुना कि एक भविष्य, एक तरक्की, एक उन्नति होगी इस देश की। सो दैट इज़ वाई इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, जब तरक्की की बात है, देश के भविष्य की बात है, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो हमारे हाथ है। आप ज़रूर वोट करें ताकि अपने देश के भविष्य में हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जरूर दे सके। थैंक यू सो वेरी मच साहिल। थैंक यू गीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर वी आर वेरी एक्साइटेड, और तो आप क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, या खेल भी खेलना जरूरी है और देश का नाम भी हम खेलों के साथ रोशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वोट। तो करण, आप अपनी युवा पीढ़ी को और जो खेल प्रेमी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई गेस वोटिंग तो सभी का अधिकार है और आई फील दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू गो एंड वोट, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स एट द एंड। सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड टेल एवरी वन टू गो आउट देयर एंड प्लीज वोट, एंड अपना एक वोट वेस्ट मत करें और उसको जरूर यूटिलाइज करें। बिल्कुल, ये देश को ना सिर्फ स्ट्रेंथ देगा बल्कि आपको मौका देगा कि आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है देश के लिए। 18वें लोकसभा चुनावों में ज़रूर हिस्सा लें और एक बार हम प्लेज ले सकते हैं साथ में हाथ आगे करके कि जो हमारी टैगलाइन भी है रोजाना और रेडियो ऑरेंज लेकर आया है जो इनिशिएटिव, मेरा वोट मेरा वोट मेरी ताकत मेरी ताकत मेरा अधिकार मेरा अधिकार।